फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फिनाले में दीपिका पादुकोण ने शिरकत की। दीपिका ने फीफा वर्ल्ड कप की गोल्डन चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठाया और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बन गई। लेकिन अपने लुक को लेकर वो एक बार फिर यूजर्स के निशाने पर आ गई। फीफा फिनाले में दीपिका के लुक ने फैंस को निराश किया। दीपिका ने लुइस विटॉन का आउटफिट पहना था, वो व्हाइट शर्ट, ब्राउन ओवरकोट, ब्लैक टेल स्कर्ट, ब्लैक बेल्ट, हाई हील्स बूट्स में दिखी। मिनिमम मेकअप और हेयर बन के साथ दीपिका ने अपना लुक कंप्लीट किया था। लेकिन लोगों को दीपिका का लुक पसंद नहीं आया। दीपिका के साथ उनके स्टाइलिस्ट और हेयर ड्रेसर के भी लोग क्लास लगा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर कहा, कपड़े तो ढंग के पहन के चली जाती, क्या नारियल बनी हुई है। अन्य ने कहा, रणवीर के साथ रहने के साइड इफेक्ट। तो एक यूजर ने ट्रोल कर कहा, साड़ी पहनती तो बहुत अच्छी लगती। अन्य ने कहा कि रणवीर का ड्रेस पहनकर आ गई। एक यूजर ने कमेंट किया, बाकी सब तो ठीक है लेकिन ड्रेस भी कुछ सही से पहन लेती तो अच्छा लगता। एक ने कहा, वर्ल्ड कप में तो दीपिका को ढंग से स्टाइल कर देती। अन्य ने कहा, इसने पहना क्या है, प्लास्टिक रैप। गौरतलब है कि इन दिनों दीपिका फिल्म पठान में अपने लुक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। पठान के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण का ऑरेंज ड्रेस और शाहरुख खान के हरे रंग की शर्ट है। ऑरेंज और हरे रंग को धर्मों से जोड़कर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें घेर लिया है। यहां तक कि हिंदू संगठनों ने गाने के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताकर उन्हें एडिट करने की मांग भी की है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।